न्यूरो हेल्थ ड्रॉप। ये जो न्यूरो हेल्थ ड्रॉप जो है 100% नेचुरल है और ये एक तरह से लोडेड है विथ एंटीऑक्सीडेंट, न्यूरो प्रोटेक्टिव, एंटी एंजाइटी, चिड़चिड़ापन होने लग जाता है, एंटी इंफ्लेमेटरी इंफ्लेमेशन को कम करेगा, एंटी कन्वल्सिव, एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टीज रहती है जो कि हमारे ब्लड के फ्लो को इनकी ब्रेन जो है वो इनहेंस करती है, बढ़ाने में अच्छे से हेल्प करती है। न्यूरॉन्स एंड डेंड्राइट्स ये हमें काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील रखने में हेल्प करेंगी थ्रू आउट द डे एंड ट्रांसमिट करती है मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक काफी इफेक्टिवली, जो कि हमारी मेमोरी पावर को इंक्रीज करेगा, इम्प्रूव करता है कॉन्सेंट्रेशन को और ये काफी अच्छे से हमारे फोकस को भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, एज वेल एज हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं इसके बारे में कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये कम्प्लीटली नेचुरल और हर्बल प्रोडक्ट है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कम्प्लीटली नेचुरल है, बहुत ही अच्छे से हम ले सकते हैं, काफी इफेक्टिवली हेल्पफुल रहता है हमारे हेल्थ को मेंटेन करने में, राइट। सो ये जो हमारा न्यूरो हेल्थ ड्रॉप जो है ये कंटेन करते हैं नरिशिंग ब्लेंड ऑफ हर्ब्स जो कि सपोर्ट करता है हमारे ब्रेन के फंक्शन को, एज वेल एज ये स्पेशली फॉर्मुलेट किया हुआ है कि ये हेल्प करे, ईज करे नर्व के पेन को और जो नमनेस जो सुन पड़ जाता है तो ये उनके लिए भी काफी अच्छे से हेल्पफुल रहती है। इनमें एसेंशियल एंटीऑक्सीडेंट बोल सकते हैं, रिच न्यूट्रिएंट है जो कि काफी अच्छे से हमारे नर्व के फंक्शन को हेल्दी रखने में भी अच्छे से हेल्पफुल रहती है, राइट। सो इतने सारे इनके हेल्थ बेनिफिट्स है और ये कुछ काम इस तरह से करता है क्योंकि न्यूरॉन्स जो है हमारे बॉडी का बोल सकते हैं मेजर पार्ट है जो कि मैसेज सेंड और रिसीव करने में काम करता है, इसी वजह से तो चलता हमें पता चलता है क्या चीजें अच्छी है क्या चीजें बुरी है, ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से इसमें पता चलती है। अगर हम गर्म ग्लास को टच कर रहे हैं या फिर कोल्ड ग्लास को टच कर रहे हैं तो क्या चीजें हॉट है या फिर कोल्ड है, वो सारी चीजें जो है हम बहुत अच्छे से पता चलती है। न्यूरो हेल्थ एक्ट मेजरली ऑन द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सीएनएस एंड पीएनएस में बहुत इफेक्टिवली वर्क करता है, ये एक तरह से प्रोटेक्टिव एंड एंटीऑक्सीडेंट है, प्रोटेक्ट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड हेल्प करते हैं इंक्रीज करते हैं ब्लड फ्लो विद इन द न्यूरॉन्स, एनर्जी बहुत अच्छे से बढ़ाए रखने में हेल्प करते हैं जो द ब्रेन न्यूरोन एंड नर्व बाय विच मेक्स द ब्रेन ज्यादा अच्छे से फंक्शन कर सके उसके लिए, ब्रेन को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करेंगी हमारे एंड मेकिंग स्ट्रॉन्ग टू द न्यूरॉन्स। सो बार बार हम यहाँ पे देख रहे हैं न्यूरॉन्स जो है ब्रेन जो काफी इफेक्टिवनेस में हेल्प कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट है, ये जनरेट करता है द एक्शन ऑफ पोटेंशियल एंड सेंड करता है मैसेज फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। इसमें इनके जो इंग्रेडिएंट्स है जो यूज किए हुए हैं फॉर द न्यूरॉन प्रोटेक्शन के लिए एकदम नेचुरल है और ये कोई भी डैमेज जो है बॉडी में अदर ऑर्गन्स में ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, काफी इफेक्टिवली वर्क करते हैं। इसके अंदर हम बोल सकते हैं इसको यूज करने से हमें फायदा ये होने वाला है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, न्यूरो प्रोटेक्टिव है, एंटी एंजाइटी है, एंटी इंफ्लेमेटरी यहाँ पे बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज है, ब्लड के फ्लो को इनहेंस करती है, एनर्जी बूस्ट करने में हेल्प करती है ताकि हम थके थके से हारे हारे से ना लगे, काफी ज्यादा इनर्जाइज्ड रहे, ट्रांसमिट करती है मैसेज को फ्रॉम एक न्यूरॉन से दूसरे तक ज्यादा अच्छे से, मेमोरी इनहेंस करती है, फोकस कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव करती है, कंट्रोल करती है, प्रिवेंट करती है सीजर्स के इश्यूज को, एंटी डिप्रेसेंट भी ये रहता है। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है एक्चुअली में इसमें इंग्रेडिएंट्स जैसे कि आप बकोको पुनेरी देख सकते हैं, ये बकोका पुनेरी जो बेसिकली है इसको हम लोग हिंदी में इफ आई एम नॉट रॉन्ग ब्राह्मी के नाम से जानते हैं एंड ब्राह्मी हम सभी को ही पता है कि एक्सीलेंट ब्रेन टॉनिक है, राइट, जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, इंफ्लेमेशन को भी रिड्यूस करता है, ब्रेन के फंक्शन को अच्छा बढ़ाए रखने में हेल्प करेगा,
एंजाइटी स्ट्रेस से रिड्यूस करता है, इन ये सारी चीजें इसमें रहती है, राइट। इसके अंदर बोल सकते हैं सेंटिला है, कैसेसा है, बेसिकली है इसके अंदर, जिसको हम लोग बाना चकुंदा के नाम से भी जानते हैं। इनके साथ साथ ये सारी चीजें जो है लास्ट पिरिकल्स बेसिकली जो है एक तरह से शंख पुष्पी जो है, शंख पुष्पी के नाम से जानते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, थोड़ा सा इसके नेम थोड़े यहाँ पे डिफरेंट लिखे हैं, तो दैट डजंट मीन कि ये जो है इनके बारे में हम नहीं जानते, बहुत इजीली जानते हैं, सदियों से जानते हैं कि कितना, जैसे शंख पुष्पी, ब्राह्मी हो गया, ये सारी चीजों के बारे में तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि कितना ज्यादा ये फ्रूटफुल है, हमारे लिए अच्छे से हेल्प करता है, राइट। इनके साथ साथ ये हमने क्या करना है कि ये जो प्रोडक्ट है हमारा, 10 ड्रॉप सुबह में, 10 ड्रॉप शाम में, खाली पेट एटलीस्ट खाना खाने से आधे से 1 घंटे पहले लेना है। द नेक्स्ट कॉम्बो प्रोडक्ट विल बी केवा न्यूरोलॉजिकल केयर टैबलेट, सॉरी। तो ये जो न्यूरोलॉजिक केयर जो टैबलेट जो है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने जो देखा न्यूरॉन्स एंड नर्व सेल्स जो है, जो कि मैसेज सेंट एंड रिसीव करने का काम करते हैं बॉडी में, एंड रीजन फॉर न्यूरॉन एंड नर्व सेल डीजनरेशन जो है, बिकॉज जैसे अल्जाइमर डिजीज हो गया, इन विच देयर इज अ लॉस ऑफ मेंटल फंक्शन मार्क बाय ब्रेन टिश्यूज डिटोरेशन, फिजिकल डैमेज हो गया, या फिर कोई एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, या फिर कार्डियोवास्कुलर इलनेस हो गया, इन्फेक्शियस एजेंट, हेरिडेटरी डिजीज, ये माइट इंड्यूस करती है न्यूरोलॉजिकल सेल डेथ में। डीजेनरेटिव नर्व इलनेस जो है बहुत डेंजरस हो सकता है, इवन फेटल हो सकते हैं। सो ट्रीटमेंट्स जो है इनका बहुत ही ज्यादा ये जरूरी है, कैन एड विद सिम्टम रिलीफ पेन, पेन को रिलीफ करने में, सिम्टम्स रिलीफ करने में, पेन एंड मोबिलिटी जो है उनके लिए काफी अच्छे से हेल्पफुल रहती है। सो दिस न्यूरोलॉजिक केयर टैबलेट जो है 100% नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हमें हमारे न्यूरॉन्स को काफी स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में हेल्प करती है, ब्रेन एज वेल एज एनर्जी बढ़ाए रखने में हेल्प करती है टू द ब्रेन नर्व एंड मेक्स ब्रेन मोर फंक्शनल, ब्लड के फ्लो को इनहेंस करने में भी काफी अच्छे से हेल्पफुल रहती है। एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, प्रोटेक्ट करती है हमारे न्यूरोन को, ब्लड के फ्लो को इनहेंस करके एनर्जी बढ़ाती है, ट्रांसमिट करती है मैसेज को एक से दूसरे न्यूरॉन तक ज्यादा अच्छे से, हर्बल प्रोडक्ट है, मेमोरी इनहेंस और फोकस कंसंट्रेशन इंप्रूव करने में भी हेल्प करती है, सडन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो होने लग जाते हैं तो उसको भी ये प्रिवेंट करती है, एड्स एंड डिप्रेशन, एंजाइटी, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। सो जिस वजह से हमने एक टैबलेट सुबह में, एक टैबलेट शाम में, खाली पेट एटलीस्ट खाना खाने से आधे से 1 घंटे पहले लेने की जरूरत है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केवा असाई जूस। ये जो असाई है, बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग काफी ज्यादा फ्रूटफुल इसमें बोल सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे बार बार फ्रूटफुल बोल रहे हैं, बिकॉज इसके अंदर 21 फूड न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो कि इस प्रोडक्ट को और ज्यादा इनहेंस करता है, राइट। तो इनहेंस करने के साथ साथ के ऐसे भी असाई को हम लोग एंटीऑक्सीडेंट का पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं, बहुत ही ज्यादा मार्वलस इसका हेल्थ बेनिफिट हमें देखने को भी मिला है, राइट। एज वेल एज ये जो एक्सट्रैक्ट जो है बेसिकली, मोर ओवर ये इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, कोई स्वीटनर नहीं है, कोई शुगर नहीं है, मतलब डायबिटिक लोग भी इसको ले सकते हैं काफी इजीली। इसमें कोई मिल्क भी नहीं है, अब बहुत लोगों को मिल्क से एलर्जी रहता है, प्रॉब्लम भी हो सकता है, राइट। और सूट नहीं करता है, या फिर किसी को कोई स्किन डिसऑर्डर, जैसे कैसे स्किन में सफेद सफेद हल्का हल्का पैचेस आने लग जाते हैं, किसी को कुछ स्किन डिसऑर्डर रहता है, या फिर किसी को पीसीओडी, पीसीएस का प्रॉब्लम होता है, तो उसमें ऐसे भी बहुत ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाना है, अवॉइड करना है, बहुत सारे क्योंकि इनके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सो इसमें कोई मिल्क भी नहीं है, इसमें नो लैक्टोज, नो ग्लूटेन, इसमें कोई ग्लूटेन भी नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत लोग, बहुत देखा, जहां देखा जा रहा है लोगों को सीलिएक डिजीज जो है काफी ज्यादा होने लग गया है, और ये पहले उतना फेमस नहीं था, ये 20-21 सेंचुरी में बहुत फेमस होने लग गया सीलिएक डिजीज, इंटेस्टिनल प्रॉब्लम जिसको लोग बोल सकते हैं सिंपली।
बहुत ग्लूटेन खाने के वजह से होता है, तो जैसे कि राई, बार्ले, मैदा, सूजी वगैरह ये सब चीजों में थोड़ा रहता है। सो इसमें कोई ग्लूटेन भी नहीं है, कोई ईस्ट नहीं है, कोई वीट नहीं है इसके अंदर, एंड दिस इज कंप्लीटली सोडियम फ्री, राइट। सो ये जो हमारा असाई जो है, ये एक तरह से यू नो लाइक 100 ऑफ ईयर्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, वहां के जो ट्राइबल लोग जो है इसको एज अ मेडिसिनल पर्पस के तौर पे बहुत पहले से ही यूज करते हुए आ रहे हैं, और इनके मार्वलस हेल्थ बेनिफिट्स रहते हुए भी आ रहे हैं। ये असाई इसमें 70 to 80 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज ड्राई किया जाता है, ताकि इसका जो जितना भी नेचुरल कंटेंट है वो सारी चीजें हमें काफी नेचुरली मिल जाए, इसको हीट नहीं किया जाता है। इसके क्योंकि इसका नाम ही है असाई जूस, तो हमने यहाँ पे असाई जो कि इसका हीरो इंग्रेडिएंट है ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर लिया, राइट। इनके साथ साथ इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि इसमें चेरी है, इसमें प्रिकली पेयर है, प्रिकली पेयर हैज फ्लेवोनॉइड्स दैट हेल्प इन मसल बिल्डिंग एंड हेल्प क्योर फॉर यू नो कैटरैक्ट डिजीज में हेल्प करती है। बेसिकली ये डिलीवर करती है प्रॉपर ऑक्सीजन एंड ब्लड हमारे आईज को, और हमारे आई साइट को, आंखों की रोशनी को हेल्दी करने का काम करेंगी। इसमें यम बेरी है, यम बेरी अगर बहुत ज्यादा इंफ्लेमेशन होने लग गया है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेंगी। इनके साथ साथ बीपी का, हाई बीपी का अगर किसी को प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा रहता है, उसको नॉर्मलाइज करने में हेल्प करती है। एंड वाटा रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक अर्थराइटिस हो गया, उनके लिए भी हेल्पफुल रहती है। इसके अंदर कॉनकॉर्ड ग्रेप भी है, बिल बेरी है, आंखों की रोशनी अच्छा रखने में हेल्प करेंगी, एल्जर बेरी है, ब्लैक बेरी है इसके अंदर, ब्लू बेरी है, ब्लैक बेरी जामुन जो है हम सभी को इवन पता है, ब्लूबेरी, एसरोला, पाइनएप्पल, क्रैनबेरी भी है, विटामिन ई का बहुत अच्छा खासा सोर्स है, स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी हेयर हमारा बनाए रखने में हेल्प करती है, रास्पबेरी है, बहुत सारा फाइबर कंटेंट भी मिल जाएगा, एप्पल है जिसको हम एंटी डायबिटिक फ्रूट के नाम से भी जानते हैं, राइट, पोमेग्रेनेट है, अनिमिया का प्रॉब्लम ना हो, खून की इश्यूज ना हो तो उनके भी हेल्पफुल रहते हैं, अरोनिया है, अमेरिकन पर्सिमन है, कुपुवासु है, कुपुवासु इज बेसिकली रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, और डेफिनेटली ये हमारी बॉडी को यू नो बहुत अच्छे से प्रिवेंट करती है, बॉडी हेल्दी अगेंस्ट यू नो हजार्ड्स, विच हेल्प्स आर बॉडी डेफिनेटली, विच हेल्प्स आर सिगरेट स्मोक हो गया, हर्बिसाइड, या फिर ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है हमारी ब्रेन के हेल्थ के लिए, हार्ट के हेल्थ के लिए, ब्लड वेसल्स एंड इम्यून सिस्टम के लिए भी कुपुआसु जो है बहुत अच्छे से हेल्पफुल रहता है। कैमो, कैमो को माना जाता है कि सबसे ज्यादा विटामिन सी पाए जाने वाला फ्रूट है, ऑरेंजेस के कंपैरेटिवली 50 से 60 गुना ज्यादा इसमें विटामिन सी पाया जाता है, राइट। तो ये भी है इसके अंदर, स्ट्रॉबेरी है, मलबेरी है, इतने सारे फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, और सारे ही फ्रूट एक्सट्रैक्ट जो है बहुत ही ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल है। सो ये प्रमोट करता है हमारी शाइन, फेस में शाइन लाने में, प्रोटेक्ट करता है हमारे सेल को फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज, और इंप्रूव करता है सेल के फंक्शनिंग को, प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्री रेडिकल, स्लो डाउन करते हैं एजिंग प्रोसेस में, स्टेबलाइज करते हैं इम्यून सिस्टम, मेटाबॉलिज्म बढ़ाना, एपेटाइट कंट्रोल करने में, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना, माइंड को एक्टिव रखना, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करना, इंप्रूव करते हैं गुड बैक्टीरियल ग्रोथ इन द इंटेस्टाइन, राइट। ये सारे इनके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और इसको हमने क्या करना है, फॉर एडल्ट्स के लिए 15 ml जूस को 150 ml पानी में अच्छे से डाइल्यूट करके खाना खाने से आधे से 1 घंटे पहले बहुत अच्छे से ले सकते हैं।